हेलो एवरीवन, मेरा नाम हर्ष है और आप सभी का स्वागत है इस एंड्रॉयड डेवलपमेंट ट्यूटोरियल सीरीज में, जिसमें हम एक वीडियो प्लेयर एप्लीकेशन बना रहे हैं। सो इन दिस वीडियो हम हमारी एप्लीकेशन के लिए एक फोल्डर्स व्यू डिजाइन करेंगे। मीन्स ये जो एक सिंगल व्यू आपको दिखाई दे रहा है जिसमें एक इमेज है एंड एक टेक्स्ट व्यू, इसे डिजाइन करेंगे। एंड हमारे वीडियोज व्यू के अंदर हम लोग कुछ माइनर चेंजेस करने वाले हैं, जैसे कि अगर यूजर उस पर क्लिक करे तो हमें पता चलना चाहिए कि उस यूजर ने क्लिक किया है। एंड उसके बाद जो हमारे वीडियो व्यू का जो नेम था वो कुछ ज्यादा स्पेस कंज्यूम कर रहा था, सो मैं चाहता हूँ वो सिर्फ सिंगल नेम में दिखाई दे, अगर बड़ा नाम भी हो तो। सो लेट्स जस्ट स्टार्ट। सो सबसे पहले लेट्स फिक्स आर वीडियो व्यू। सो जब यूजर इस पर क्लिक करता है तो हम चाहते हैं कि इसका बैकग्राउंड या कुछ तो थोड़ा सा चेंज हो। उसके लिए यहाँ पे एक एट्रीब्यूट का यूज करूँगा, क्लिकेबल टू ट्रू, एंड यहाँ पे मुझे फोकसेबल भी यूज करना पड़ेगा। सो फोकसेबल टू ट्रू, सो ये दो एट्रीब्यूट आपको यूज करने। एंड उसके बाद थर्ड एट्रीब्यूट बैकग्राउंड एंड विच इज ATTR selectable item background, so selectable item background। एंड अब जब भी आप वीडियो व्यू पे क्लिक करोगे इसका बैकग्राउंड चेंज होगा, जिससे आपको पता चलेगा यूजर क्लिक करा, मीन्स हल्का सा रिपल इफेक्ट होगा। एंड उसके बाद नेक्स्ट जो है, मैं चाहता हूँ सिर्फ वन लाइन में दिखाई दे, मल्टीपल लाइन्स नहीं होनी चाहिए इनकी, अगर नेम बड़ा भी हो तो। सो यहाँ पे मैं आ जाता हूँ एंड ये हमारा वो टेक्स्ट व्यू वीडियो नेम। एंड यहाँ पे मैं एक एट्रीब्यूट यूज करूँगा, मैक्स लाइन इज इक्वल टू वन, मीन्स मैक्सिमम सिर्फ वन लाइन होनी चाहिए। एंड यहाँ पे भी सेम, सो मैक्स लाइन्स इज इक्वल टू वन, एंड इससे हमारा काम हो जाएगा। यहाँ पे मैं एक चीज़ और चाहता हूँ, हर व्यू के बीच में 5 dp का गैप होना चाहिए। सो मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा मार्जिन बॉटम 5 dp, विच मीन्स हर व्यू के नीचे 5 dp बॉटम होना चाहिए मार्जिन। एंड उसके बाद एक फोल्डर्स व्यू क्रिएट कर लेते हैं। सो लेट्स मैं इस वीडियो व्यू को कॉपी कर लूँ, कॉपी दिस वीडियो व्यू एंड पेस्ट इट हियर, एंड वी विल रीनेम इट। सो फोल्डर्स व्यू, ओके, एंड आफ्टर दैट लेट्स कम हियर। एंड यहाँ पे ये सारे एट्रीब्यूट्स एक्चुअली हमें एज इट इज चाहिए। एंड यहाँ पे जो फोल्डर की इमेज है, मीन्स जो वीडियो की इमेज है, यहाँ पे मैं फोल्डर की इमेज चाहता हूँ। सो वो इमेज हमने ऑलरेडी रखी है, सो फोल्डर्स आइकन। एंड जो हमारी इमेज है, मैं चाहता हूँ इसका जो कलर हो वो ऐसा डल सा ना हो, मैं इसे कुछ स्पेसिफिक कलर प्रोवाइड करना चाहता हूँ। सो टिंट एंड लेट्स ए कूल पिंक, एंड मैं इस पर कोई शेप अपीयरेंस ओवरले प्रॉपर्टी यूज़ नहीं करना चाहता, मैं इसे किसी भी एंगल से कर्व नहीं चाहता। एंड ऑल राइट, ये अच्छी दिख रही है। एंड उसके बाद मैं इस लीनियर लेआउट को यहाँ से हटाने वाला हूँ, क्योंकि इसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है अभी। सो जस्ट रिफैक्टर एंड रिमूव इट। ऑल राइट, अब सिर्फ ये बच जाता है। एंड ये मैं चाहता हूँ मैच पेरेंट, एंड दिस टू मैच पेरेंट, एंड यहाँ पे फोल्डर्स नेम होना चाहिए। एंड ग्रेविटी में सेंटर वर्टिकल चाहता हूँ, ओके, मीन्स कहीं यहाँ पे। एंड एक चीज़ और, मार्जिन भी मैं देना चाहता हूँ, सो मार्जिन हॉरिजॉन्टल, मीन्स दोनों साइड से, विच इज 5 dp, एंड ये यहाँ से थोड़ा सा दूर हो जाएगा, ओके। एंड आफ्टर दैट टेक्स्ट, एंड मैं इसे थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ जिससे हम लोग इसे थोड़ा अच्छे से देख सकें। एंड हियर टेक्स्ट फोल्डर नेम, ओके, एंड ये जो टेक्स्ट है ये काफ़ी छोटा है, सो टेक्स्ट साइज 18 sp। नाउ इनकी IDs चेंज करते हैं, सो मैं इसे चेंज करके फोल्डर नेम कर दूंगा, एंड फोल्डर नेम, एंड लेट्स से फोल्डर व्यू FV लिख रहा हूँ, फॉर फोल्डर व्यू रिप्रेजेंटेशन। एंड यहाँ पे सिंस हमें इसकी ID की एक्चुअल में ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि हम इसे कभी चेंज ही नहीं करने वाले, सो मैं इसे रिमूव कर रहा हूँ। एंड हमारा फोल्डर्स व्यू तैयार हो चुका है। एंड इस पर भी अगर आप क्लिक करोगे तो एक क्लिकेबल बैकग्राउंड शो करेगा, क्योंकि हमने यहाँ पे प्रॉपर्टी सेट कर रखी है क्लिक एंड फोकस की। सो अब एक बार हमारी एप्लीकेशन को रन करके चेक कर लेते हैं। सो फाइनली ग्रेडल बिल्ड हो चुका है, एप्लीकेशन इंस्टॉल हो चुकी है। अगर आप देखोगे तो वो जो सिंगल लाइन था वो इशू हट चुका है, मीन्स बिग नेम अभी कोई इशू नहीं है, हमारा व्यू प्रॉपर दिख रहा है। एंड अगर आप ऑब्जर्व करोगे, अगर मैं किसी पे क्लिक करता हूँ तो रिपल इफेक्ट भी दिख रहा है, एंड ऑल फोल्डर्स में अभी कुछ नहीं, क्योंकि हमने कुछ सेट ही नहीं किया है। एंड एवरीथिंग इज वर्किंग परफेक्टली फाइन, लेट्स चेक रिपल इफेक्ट, एंड ये काफ़ी अच्छा दिखता है। सो इन द फ्यूचर वीडियोस हम फोल्डर्स के साथ वर्क करेंगे। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड Bye-bye.